असल वरहिला वरक आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे अच्छे होंगे और रमज़ान के जो रोज़े हैं अच्छी तरीके से रख रहे होंगे एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हजरत आदम सल्लाम की और हजरत आदमी सामा तू नो जन्नत से निकाल कर दुनिया में क्यों भेजा और, और हज़रत आदम वो कौन सी दुआ थी जो अल्लाह ताली से किया करते थे और अल्लाह ताली से अपने गुनाम की जो है माफ़ी मांगा करते थे चलिए वीडियो शुरू होने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा तो हजरत आदम सलाम कौन है हजरत आदम सलाम पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा हजरत आदम सलाम कौन है पहले इंसान है जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा और हजरत आदम सलाम पहले नबी भी है अल्लाह ताला ने हजरत आदम सलाम को जो जिक्र है कुरान शरीफ में 19 बार किया है ठीक है और जितने भी लोग थे हैं और होंगे जितने भी इंसान होंगे हम सब हजरत आदम सलाम की औलाद में से हैं ठीक है अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो फरिश्तों से फरमाया कि मैं जो है कि मैं दुनिया में अपना एक नायाब खलीफा बनाना चाहता हूं तो फरिश्तों ने कहा कि फरिश्तों ने कहा कि अः तू ऐसे शख्स को नायाब बनाना चाहता है जो खराबी खराबियां करे और और खून करता फिरे तो फिर फरिश्तों ने कहा कि हम तो तेरी यू you नो know, हम तो तेरी तारीफ करने के साथ साथ तेरी बड़ाई और पाकि बयान करते रहते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं वो चीजें जानता हूं जो तुम नहीं जानते उसके बाद जो है फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदमी सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों के सामने आए तो अल्लाह ताला ने सब को हुक्म दिया कि हजरत आदमी सलाम को सजदा करे तो अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए सारे फरिश्तों ने हजरत आदम सलाम को जो है सजदा किया सिवाय एक के और वो था शैतान जिसने अल्लाह तला की बात नहीं मानी और हजरत आदम के सामने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने यू you नो know, फरिश्ते अल्लाह ताला ने शैतान से पूछा कि तुम मेरे हुक्म के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज थी जिसने तुमको सजदा करने से रोका तो यू नो शैतान ने क्या कहा शैतान ने कहा कि मैं जो है उससे बेहतर हूं मैं क्या हूं मैं उससे बेहतर हूं तूने मुझे आग से बनाया है और उसको जो है मिट्टी से बनाया है तो मैं उससे बेहतर हूं मैं उसके सामने सजदा नहीं करूंगा तो तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तू इस काबिल नहीं कि तू यहाँ गुरूर करे तो शैतान ने क्या किया कि यू you नो know, उसने अपनी घमंड में अपनी तकबर में अपने गुरूर में उसने अल्लाह ताला की जो है बात नहीं मानी अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना और वो ये सब कुछ भूल गया अपने हरूर में अपने तकबर में वो सब कुछ भूल गया कि जिसकी वो इतने अरसों तक जिनकी वो इबादत करता हुआ है जिसने उसको पैदा किया है उसकी हुक्म नहीं मानी अपने रूर में अपने घमंड में अपने तकबर में वो ये सब कुछ भूल गया और उसने अल्लाह का हुक्म जो है वो नहीं माना तो फिर उसके बाद जो है शैतान है उसने अल्लाह तला से क्यामत तक की मोहलत मांगी अल्लाह तहा कि जा मैं तुझे मोहलत देता हूँ और फिर शैतान ने कहा कि मैं आदम आदम को और इस आदम की औलाद को कयामत तक जो है कयामत तक सही रास्ते पर अच्छे रास्ते पर नहीं चलने दूंगा ये चीज शैतान ने जो है कसम खा ली कि मैं हज़रत आदम सलाम और उसकी औलाद को अच्छे कामों से बहकाऊंगा और बुरे कामों को करने का को कहूंगा मतलब अच्छाइयों से रोकूंगा और बुराइया ही बुराइया जो है आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद से करवाऊंगा तो ये चीज जो है शैतान ने कसम खा ली उसके बाद अल्लाह ताला ने उससे कहा कि तू यहां से निकल जा और फिर जो है शैतान जो है वहां से चला गया लेकिन हमें इससे ये बात पता चलती है कि शैतान जो है इंसान का कितना खुला दुश्मन है कितना खुला दुश्मन है कि उसने अल्लाह ताला से अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना जिनकी वो इतनी 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 अरसे तक इबादत किया करता था अल्लाह ताला की इबादत किया करता था शैतान लेकिन अपने गुरूर में अपनी घमंड में कि मैं उससे बेहतर हूँ इस चीज़ में इस चीज़ में वो तकबुर में कि मैं उससे बेहतर हूँ इस इस वजह से उसने जो है उस हुक्म को नहीं माना और फिर शैतान को जो है वहाँ से निकाल दिया गया उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी हज़रत अब सलाम जन्नत में रहो आराम से रहो और जो खाना चाहते हो खाओ पियो बस एक पेड़ के मुतिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस पेड़ के पास मत जाना और इस दरख्त का जो है फल मत खाना तो बस अल्लाह ताला ने यही कहा कि बस तुम जो चाहे खाओ पियो हज़रत आदम सलाम और हज़रत सल्लमत सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जो चाहे खाओ पियो आराम से रहो बस एक पेड़ के बारे में कहा कि उसके पास मत जाना और उसका फल मत खाना और यह भी कहा कि शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और उसके झांसे में मत आना और जालिमों में से मत हो जाना उसके बाद हजरत आदम सलाम और हजरत सलाम आराम से जो है जन्नत में अपनी जिंदगी गुजारते और शैतान को ये चीज रहा नहीं गया कि शैतान को हजरत आदमी सलाम पर पहले से ही यू you नो know, वो था गुस्सा था कि अः uh, किज़रत आदमी सलाम की वजह से उसको निकाल दिया गया उसको उसको निकाल दिया गया तो फिर यू you नो know, uh, उसने बस ये कसम खा ली कि मैं जो है आदमी सलाम को जन्नत से निकलवा कर ही रहूँगा और उस पेड़ के पास जाकर उनको उस पेड़ का फल जो है खिलवा कर ही रहूंगा तो वो रोज़ाना तो वो हमेशा क्या करता कि हज़रत आदमी सलाम और हवाला सलाम को जो है यू uh, नो you know, uh, ऐसे कुछ ना कुछ अपने यू नो झांसे में फंसाते रहता कि उस पेड़ के पास जाओ वो पे कुछ ना कुछ तो एक दिन क्या हुआ कि उसने आ, कहा कि सद आदम सलाम और हवा सलाम से कहा कि अगर आप इस पेड़ का फल खा लोगे इस दरख का फल खा लोगे तो आप फरिश्तों में से बन जाओगे और आपको जन्नत में से कभी नहीं निकाला जाएगा तो इस, इस बहकावे में इस झांसे में जो है ये दोनों आ गए और इन्होंने जो है उस पेड़ का जो फल है वो खा लिया शैतान के बहकावे में आ गए और अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने जो बोला था कि वहाँ यू नो उस पेड़ का फल नहीं खाना है तो उस पेड़ का जो फल है वो खा लिया जैसे ही हज़रत आदमी सलाम हजरत सलाम ने उस पेड़ का फल खाला तो उनके जो उनके जो जिस्म पर जो कपड़े थे जो यू नो वो जन्नत का जो लिबास था वो उतर गया और दोनों जो है जन्नत के जो जन्नत की दरख्त की जो पत्ते थे उनसे अपने अपने जिस्म को ढांकते फिरते फिर, फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि आदम मैंने तुमसे कहा था मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस दरख्त के पास ना जाना लेकिन उसके बावजूद भी तुम शैतान के बहकावे में आ गए और तुमने उस दरख्त का फल खा लिया उसके बाद अल्लाह उनसे कहा कि तुम जो है जन्नत से निकल जाओ और दुनिया में जा कर रहो तो उसके बाद अल्लाह तो हजरत आदम सलाम को बहुत ही ज़्यादा रंज और गम हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी और शैतान के बहकावे में आ गए तो इस वजह से वो अल्लाह ताला से खूब 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 यू नो रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते थे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहते थे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मुझसे गलती हो गई तो अल्लाह ताला से ख़ूब उन्होंने माफ़ी मांगी कई अरसों तक कई अरसों तक वो अल्लाह ताला से तड़प तड़प कर रो रो कर माफी मांगते रहे उसके बाद अल्लाह ताला को जो है उन पर रहम आया और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सलाम को एक दुआ सिखाई क्या एक दुआ सिखाई क्या कि कौन सी दुआ थी थी वो ये दुआ थी रबना जुलम ना अनफुसना तग़फिर लना व ना ना मिनल खासन इसका मतलब है जिसका तर्जुमा है भी अजान हो रही है तो थोड़ी देर के बाद तो जो दुआ जो है अल्लाह ताला ने आदम सलाम को सिखाई उसका तर्जुमा यह है तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे ये दुआ अल्लाह हज़रत आदम सलाम को सिखाई और हजरत सलाम इस दुआ को यू you नो know, इस दुआ को बार बार अल्लाह से मांगते बार बार अल्लाह से इस दुआ को सच्चे दिल से यू नो माफ़ी मांगते और अल्लाह ताला भी बहुत गफ़ूर रहीम है बहुत बहुत रहम करने वाला है अल्लाह ताला ने जब भी कोई बंदा कोई गलती कर लेता है और फिर अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेता है कि अल्लाह मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूँगा सच्चे दिल से तो अल्लाह ताला भी बहुत रहम करने वाला है अल्लाह ताला जो है अपने बंदे को माफ़ कर देते हैं तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम हज़रतम को भी माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदमी सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी औलादें इस दुनिया में रहो उसके बाद जो हैत आदमी सलाम और सलाम दुनिया में रहने लगे और जो है खूब अल्लाह ताला की इबादत करते खूब जो है अपना जो हर वक्त हर पल बस अल्लाह ताला की इबादत में लगा देते और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते अल्लाह ताला की इबादत करते और जो है उन उनकी कई सारी औलादें हुई जो दूसरे दुनिया में आबाद होती गई अलग अलग जगह तो अल तो फिर हज़रत आदमी सलाम अपनी औलाद को यही बताते कि शैतान जो है हमारा खुला दुश्मन है अपनी औलादों को यही बात समझाते यही बात बताते कि शैतान जो है हमारा खुला दुश्मन है उसके बहकावे में मत आना और अल्लाह ताला की इबादत करते रहना अच्छे काम करते रहना अच्छे लोगों के साथ रहना और अच्छाई का बर्ताव करना एक दूसरे के साथ नेक काम करना सच बोलना झूठ मत बोलना ये तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छी अच्छाई करना तो ये सब जो है हज़रत हज़रतम अपनी औलाद को समझाते और ये बोलते कि शैतान से बचना और शैतान शैतान से जितना हो सके उतना यू नो बचना और उसके बहकावे में मत आना उसके बाद फिर हजरत आदमी सलाम तकरीबन नौ सौ सा साल की उम्र के बाद वो जो है वफात पा गए तो ये था हजरत आदम सलाम का किस्सा और कि वो यू नो कौन थे और आ, कैसे रहा उनका जो दुनिया का जो सफर है तो ये था उनका किस्सा छोटा सा किस्सा और तो मैंने यही पढ़ा तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी मैं पढ़ती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना क्योंकि अगर यू you नो know, अगर मेरी तरफ़ से अगर छोटी सी छोटी जानकारी भी अगर किसी को मिल जाती है तो इससे यू you नो know, मुझे यू नो फायदा होगा और आप भी जो है इस जानकारी को अगर आपको पास भी अगर छोटी सी छोटी नॉलेज भी अगर दीन की है तो कोशिश करें कि आप यू नो उसको आगे बढ़ाएँ क्योंकि छोटे छोटे भी नॉलेज अब किसको क्या पता कब क्या कहाँ पे वो फ़ायदा दे 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 तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जितनी भी नॉलेज है यू you नो know, मैं छोटा सा शॉर्ट वीडियोस ऐसे ही बना के यू नो अपलोड कर दूँ ताकि अगर कोई वहाँ सुने किसी को थोड़ा सा भी मेरी मेरी तरफ से अगर समझ आ जाए तो बस इसका स्वाब जो है मिलेगा तो इसलिए आई होप आपको ये छोटा सा किस्सा जो है जल्द सलाम का अच्छा लगा होगा तो मैं नेक्स्ट आपको आ, नेक्स्ट वाला जो है वो किस्सा हाबील और काबिल का है तो मैं आपको बताऊँगी कि वो दोनों कौन थे और फिर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर हाफिज़